नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। साथियों, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए फाइनल खुशखबरी आ गई। जी हाँ दोस्तों, फाइनल खुशखबरी है। अब की बार कोई भी डेट इधर उधर नहीं की जाएगी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। भारत के शिक्षा मंत्री जी का ट्विटर अकाउंट दिखा देता हूँ, जी न्यूज की वेबसाइट और आज तक की वेबसाइट, जो कि बहुत बड़े न्यूज है। यहाँ पे न्यूज की वेबसाइट है और मैं आपको उनका जो वीडियो है वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हुआ, क्या बात कहे हैं उनकी आपकी परीक्षा के बारे में। और यहाँ पे फाइनल डेट भी फिक्स कर दी गई है। यहाँ पे उनका ट्विटर अकाउंट मैं आपको खोल दिया हूँ, ये देख लीजिए, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ उनका वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सीबीएसई विल बी कंडक्ट पेंडिंग क्लास 10th, यानी कि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि 1 से 15 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। और इन्होंने साफ साफ क्या बताया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते शिक्षा व्यवस्था भी लॉकडाउन की भेंट चढ़ रही है। ऐसे अफवाहों को दौर भी शुरू हो गया था। कई जगह कहा जा रहा है कि परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं, तो कहीं इन्हें टालने को लेकर अफवाह चल रही थी। अभिभावक भी इस सबसे परेशान थे। वे भी कई बार अलग अलग माध्यमों से सवाल उठे चुके थे कि ऐसे में अब स्थिति साफ हो गई है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि देखिए, पहले 30 अप्रैल को भी बोर्ड ने साफ करते हुए कहा था कि 10 और 12वीं की परीक्षा करवाई जाएगी। और यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पहले कहा गया था कि जैसे ही संभव होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री 10वीं और 12वीं के कक्षा के लिए लंबित 29 महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करने को तैयार है। मंत्रालय ने मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जाए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में मदद की जाए। यानी कि इन्होंने आपके मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी बता दिया कि आपकी मूल्यांकन कब से करवाया जाएगा। यहाँ पे आप पूरी खबर को जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए पूरी खबर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा और भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि देखिए 29 विषयों की परीक्षा की बात कही गई, यानी कि 83 पेपर थे आपके बचे थे, उसमें से आपको 29 विषय के पेपर करवाए जाएंगे। और यहाँ पे बाकी वैकल्पिक विषयों के मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना।